हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी अगर आप चाहते हैं HDFC में कैश डिपॉजिट करना तो उसके लिए आपको एक स्लिप भरनी होगी। उस स्लिप को कैसे भरना है मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने ये स्लिप पहले से भर रखी है, तो इसको देख के मैं आपको ये सिखाना चाहूँगी कि आपको अगर जमा करना हो तो कहाँ कहाँ क्या फिल करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ डेट डाल दीजिए ऊपर की साइड। यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है? तो इस साइड भी डेट डाल दीजिए, इस साइड भी डेट डाल दीजिए। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर यहाँ दे दीजिए, और अकाउंट नंबर स्लिप के इस साइड भी देना होगा आपको, यहाँ दे दीजिए, ठीक है? अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ दे दीजिए। अपना पैन नंबर, अगर आप 50,000 से अबव अगर जमा कराते हैं तो ही आपको पैन नंबर देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नॉट कंपलसरी। सो आपकी चॉइस है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। उसके बाद आप यहाँ देखिए, जैसे कैश जमा कराने हैं आपके पास जितने के भी नोट हैं वो यहाँ पे उसका डिटेल दें। जैसे कि 2,000 के चार नोट हैं, तो यहाँ पे मैंने चार नोट लिख दिए हैं तो 8,000 हो गए, और मेरे पास 500 के फोर नोट हैं तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो टोटल 10,000 रुपीज़ हो गया। और जो 10,000 है यही मैंने वर्ड्स में भी लिख दिया है, तो आप भी ऐसे ही करिएगा। और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आपको लिखना होगा, जैसे 2,000 × 4 मैंने जितने के नोट हैं उस अकॉर्डिंग जो इधर लिखा है वही हम इस साइड पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपने साइन कर दीजिए, यहाँ लिखा है डिपॉजिटर सिग्नेचर, यहाँ पे भी डिपॉजिटर सिग्नेचर। बस आपका ये फॉर्म जो है पूरा फिलअप हो चुका है, बस आपको कैश लेके काउंटर पे देना होगा, बस उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।